नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ एके में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 132 के वी सबस्टेशन कंट्रोल पैनल के बारे में। 132 के वी सबस्टेशन में कौन कौन से कंट्रोल पैनल लगे रहते हैं और उस पर कौन कौन सी रिले लगी रहती हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 132 के वी सब स्टेशन कंट्रोल पैनल। 132 के वी सब स्टेशन में कौन कौन से कंट्रोल पैनल लगे रहते हैं और उनका क्या कार्य होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये पैनल है जो फर्स्ट में 132 के वी इनकमर कंट्रोल एंड रिले पैनल है, ये हमारा इनकमर के लिए है। यहाँ पर कुछ ये अनाउंसर दिख रहे हैं जिस पर कि फॉल्ट के इंडिकेशन आता है। फॉल्ट की स्थिति में मास्टर ट्रिप ऑपरेटेड, ट्रिप सर्किट फॉल्टी, जनरल लॉकआउट SF6, लॉस ऑफ SF6 अलार्म, रिले अनहेल्थी, अंडर वोल्टेड ट्रिप, इस तरह के ये कुछ इंडिकेशन दिखाता है फॉल्ट की स्थिति में। ये हमारे हूटर लगे हुए हैं और ये हमारा एनर्जी मीटर है जिस पर कि हमें वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर और KWH रीडिंग सारा अभी दिखता है। ये अभी MWH में रीडिंग हमको दिखा रहा है। और ये हमारा है वोल्ट मीटर, इस पर आपको अभी वोल्ट दिख रहा होगा, 132 kV के समथिंग आ रहा है। और इसके बाद है हमारा ये एमीटर जिस पर कि हमको करंट दिखाता है। और ये कुछ अलार्म रीसेट करने वाले पुश बटन हैं। और इस तरीके से ये पूरा हमारा इनकमर रिले पैनल है। इस पर ये SLD भी बना हुआ है जो कि दिख रहा होगा। ये अर्थ स्विच का इंडिकेशन है, ये आइसोलेटर, ये SF6 ब्रेकर। ये SF6 ब्रेकर का सेलेक्ट वो ऑन ऑफ स्विच है और ये हमारा सेलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल के लिए। और ये कुछ इस पर इंडिकेशन दिखाए हुए हैं, अभी SF6 ब्रेकर ऑन है, ये तीनों फेसों का इंडिकेशन है RYB का। इस तरीके से ये पूरा SLD इस पैनल पर बना हुआ है। और इस पैनल पर एक रिले लगी हुई है, ये हमारी प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है। इस पर आपको दिख रहा होगा ये कुछ फॉल्ट आने की स्थिति में यहाँ पर इंडिकेशन आ जाता है, आर फेस पिकअप, वाई फेस पिकअप, बी फेस पिकअप, ओवर करंट ट्रिप, अर्थ फॉल्ट ट्रिप, डिफरेंशियल अर्थ फॉल्ट ट्रिप, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज ट्रिप, ट्रिप सर्किट अनहेल्थी, इस तरीके का ये इंडिकेशन आता है। इस पर ही ये हमारी रिले लगी हुई है, हाई स्पीड ट्रिप रिले, और एक और रिले लगी हुई है हमारी सुपरविजन रिले। तो ये पूरा हमारा इनकमर रिले पैनल है। इसके बाद देखते हैं कि अगला हमारा पैनल कौन सा है। इनकमर रिले पैनल के बाद हमारा आता है अगला पैनल 132 के बी ट्रांसफार्मर कंट्रोल एंड रिले पैनल। इस पर भी ये कुछ अनाउंसर लगे हुए हैं जिस पर कि कुछ फॉल्ट आने की स्थिति में यहाँ पर इंडिकेशन आता है, जैसे मास्टर ट्रिप ऑपरेटेड, ट्रिप सर्किट अनहेल्थी और प्रोटेक्शन रिले अनहेल्थी, WTI ट्रिप, OSR ट्रिप, OTI ट्रिप, LOL अलार्म, इस तरीके के ये कुछ इंडिकेशन हमको दिखाता है। उसके बाद हमारा इस पैनल पर भी एनर्जी मीटर लगा हुआ है जिस पर ये अभी आपको वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर दिखा रहा है। और ये हमारा है एमीटर, इस पर भी हमको करंट दिखाता है। और ये हमारा अलार्म रीसेट करने के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पर भी SLD बना हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा। ये हमारा आइसोलेटर के लिए है, ये हमारा अर्थ स्विच है, ये हमारा SF6 ब्रेकर, ये ट्रांसफार्मर, और ये हमारा SF6 ब्रेकर को ऑन ऑफ करने का स्विच, और ये हमारा सेलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल के लिए। और इस पर भी ये SF6 ब्रेकर का इंडिकेशन दिख रहा है ऑन का। और इस पर एक ये रिले लगी हुई है हमारी डिफरेंशियल रिले इसको कहते हैं, इस पर भी ये कुछ इंडिकेशन हैं जो कि फॉल्ट की स्थिति में यहाँ पर इंडिकेट करते हैं हमको, डिफरेंशियल ट्रिप, आर फेस डिफरेंशियल ट्रिप, वाई फेस डिफरेंशियल ट्रिप, इस तरीके से हाई वोल्टेज डिफरेंस ट्रिप, ट्रिप सर्किट एंड हेल्थी, इस तरीके के कुछ ये फॉल्ट दिखाता है। उसके बाद इस पर एक और रिले लगी हुई है, हाई स्पीड ट्रिप रिले।
और ये दूसरी रिले इस पर लगी हुई है सुपरविजन रिले। इनका अलग अलग कार्य है, अलग अलग स्थिति में ये ट्रिप करती हैं सर्किट को। और ये है स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट रिले LV, और दूसरी इसी पर रिले लगी हुई है स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट रिले HB। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिले लगी हुई हैं, जैसे कि आपको इस पर दिख रहा होगा WTI अलार्म, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर अलार्म, LOL लॉस ऑफ लाइफ अलार्म, OTI ट्रिप, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर ट्रिप। इसी तरीके से ये दूसरी रिले लगी हुई है, इस पर भी कुछ हैं अलार्म, PRV ट्रिप यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रिप, बुकोल अलार्म, OTI अलार्म। इसी तरीके से एक और रिले लगी हुई है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, बुकोल ट्रिप, OSR ट्रिप ऑयल सर्ज रिले ट्रिप, और ये WTI ट्रिप वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये हमारा पूरा 132 kV ट्रेफो कंट्रोल एंड रिले पैनल है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा पैनल है। अगला हमारा जो कंट्रोल के लिए पैनल है वो है ट्रांसफार्मर के लिए, ये ऑटो टेप चेंजर पैनल है, रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल पैनल इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 16 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 132 kV by 11 kV ट्रांसफार्मर, तो उसके ऑटोमेटिक टेप चेंजर का ये कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टेप पोजीशन दिखा रहा है 4, और ये वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर वाइंडिंग का टेम्परेचर दिखा रहा है, और ये ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर दिखा रहा है, और ये हमारे एयर फोर्स कूलिंग है यहाँ पर, इसलिए ये फैन का इंडिकेशन है। और ये पूरा ऑटो मैनुअल, हम मैनुअल में भी यहाँ से टेप को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये पूरा पैनल है यहाँ पर, सेटअप इस तरीके का है। इसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला पैनल कौन सा है। अगला हमारा जो पैनल है वो है ACDB पैनल, AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इस पर AC सप्लाई आ रही है, और ये हमारा पैनल है यहाँ पर सब स्टेशन में लाइटिंग के लिए, और बाकी जहाँ पर भी AC सप्लाई का यूज हो रहा है, और इससे हमारा बैटरी चार्जर के लिए सप्लाई जाती है। ये पूरा हमारा पैनल है, ये MCB दी हुई है इस पर, जैसे RTCC पैनल के लिए, ST पैनल के लिए, और आइसोलेटर के लिए जो मोटरें लगी हुई हैं अगर AC सप्लाई से चल रही हैं तो उनके कंट्रोल करने के लिए यहाँ से सप्लाई जाती है। इसके बाद अगला जो हमारा पैनल है, अगला हमारा पैनल है बैटरी चार्जर। ये हमारा बैटरी चार्जर है, एक मेन है और एक स्टैंड बाई है, ये दोनों पैनल हैं। इससे हमारी बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि हमको कंट्रोलिंग के लिए DC सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बैटरी चार्जर हमको 110 वोल्ट DC सप्लाई देता है। ये हमारा पूरा बैटरी बैंक है, सेल लगे हुए हैं, इन्हीं से हमको सप्लाई मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा पैनल है। बाद हमारा जो पैनल है वह है 11 kV इनकमर पैनल। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो ST साइट के लिए था, कंट्रोलिंग के लिए, तो अब ये हमारा 11 kV इनकमर पैनल है। इस पर भी आपको दिख रहा होगा ये करंट प्रोटेक्शन रिले है, ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले। इस पर भी फॉल्ट की स्थिति में कुछ इंडिकेशन आते हैं, और इससे हम इसको रीसेट करते हैं। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है पूरा पैनल हमारा, और इस पर भी ये एनर्जी मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर हमको वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर ये सब दिखाई देता है और यूनिट बताता है। और ये हमारा एमीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, और इस पर भी कुछ ये इंडिकेशन दिए हुए हैं, जैसे DC सप्लाई ऑन का, ऑफ का, टेस्ट पोजीशन ऑन, सर्विस पोजीशन, ट्रिप, स्प्रिंग चार्ज, ट्रिप सर्किट हेल्थी, इस तरीके के कुछ इंडिकेशन है। ये हमारा ब्रेकर को यहाँ से इस स्विच से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है ऑटो और मैनुअल के लिए, और इस पर भी एक ये रिले लगी हुई है, ट्रिपिंग रिले। बाकी ये पूरा हमारा
वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल है, देख लीजिए। तो इस पैनल के बाद अब सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये मेन हमारा इनकमर पैनल था 11 kV। इसके बाद जो अगला पैनल है हमारा, वो है हमारा 11 kV ट्रेफो फीडर वन पैनल। क्योंकि हमारे यहाँ 2.5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर उस पैनल को सप्लाई दे रहा है। तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर कुछ रिले लगी हुई हैं, जैसे 132 kV ट्रांसफार्मर के लिए लगा हुआ था, मेन ट्रांसफार्मर के लिए बुकोल्ज ट्रिप, WTI ट्रिप, OTI ट्रिप, इसी तरीके से MOG अलार्म, मैग्नेटिक ऑयल गेज अलार्म, PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रिप, और बुकोल्ज अलार्म, WTI अलार्म, OTI अलार्म, इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है। इस पर भी ये ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है, एनर्जी मीटर है, अनाउंसर है, और बाकी उसी की तरीके से ये इंडिकेशन दिए हुए हैं, ट्रिप सर्किट अनहेल्थी, हेल्थी, स्प्रिंग चार्ज, सर्विस पोजीशन, टेस्ट पोजीशन, ऑन ऑफ का, और ये ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है यहाँ पर, और ये सिलेक्टर स्विच, और इस पर भी ये ट्रिपिंग रिले लगी हुई है। ये पूरा हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल है। इसके बाद हमारा दूसरा फीडर है, सेम टू सेम उसी की तरीके से पूरा, इस पर भी प्रोटेक्शन और इंडिकेशन दिया हुआ है। ये पूरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद हमारा ये तीसरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल है, यहाँ से भी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सेम उसी तरीके से इस पर भी इंडिकेशन दिए हुए हैं, और ये पूरा का पूरा पैनल है। इस तरीके से फील्ड में हमारी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके बाद जो दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, वो है हमारा PCC पैनल्स के बारे में, पावर कंट्रोल सेंटर के बारे में, जहाँ अब यहाँ से सप्लाई PCC के लिए जा रही है। तो अगले वीडियो में मैं वहाँ का आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।